बिहार के कटिहार में गुरु की गरिमा को तार तार कर डाला। छात्रा को कोचिंग में पढ़ाने वाला वह से शिक्षक छात्रा के घर खिड़की से घुसकर चाकू का भय दिखाकर किया दुष्कर्म। प्रीता छात्रा ने शिक्षक के करतूत को परिवार में किया उजागर। प्रीता की मां शिक्षक कन्हैया की करतूत को पुलिस थाना पहुंचकर कोचिंग वाले कन्हैया के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। दर्ज शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। प्रीता को मेडिकल जांच और अदालत में धारा 164 का कराया बयान। आरोपी शिक्षक कन्हैया कुमार है फरार। मामला बलरामपुर थाना क्षेत्र के तिकोड़ी गांव का। पुलिस पदाधिकारी ने कहा ऐसे वस्त शिक्षक की तलाश कर रही है पुलिस। शिक्षक तो ज्ञान देने के लिए पहचाने जाते हैं। अभिभावक से भी गुजारिश है बच्चों समेत शिक्षक पर भी रखे नजर। कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र के तिकोड़ी गांव से गुरु शिष्या के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। इस घटना को लेकर प्रीता की मां के द्वारा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। प्रीता जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, वह 10वीं कक्षा की छात्रा है, वो परीक्षा की तैयारी के लिए गांव के कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। कोचिंग सेंटर में अक्सर पढ़ाने के दौरान उसके गाँव के ही शिक्षक कन्हैया कुमार दास के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता था, जिसकी शिकायत प्रीता ने अपनी माँ से भी की थी। लेकिन माँ को बेटी के आरोप से ज्यादा गुरु शिष्या के रिश्ते पर भरोसा था। शिक्षक की इन हरकतों पर छात्रा के परिजनों के चुप्पी साधे रहने से उनका मनोबल और बढ़ता गया। हद तब हो गई जब रात के अंधेरे में अकेली सो रही प्रीता के कमरे में आरोपी शिक्षक कन्हैया दास घुस गया तथा चाकू का भय दिखाकर बलात्कार कर डाला। बेटी के चीखने की आवाज सुनकर जब उसके पिता उसके कमरे की तरफ लपके, तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब रहा। घटना के बाद से प्रीता का भी डरी और सहमी हुई है। वो कौन है? वो कन्हैया कौन है? टीचर। हाँ, क्या हुआ है कहानी आपका? हमारा जैसा हम लोग सोया हुआ था, पत्नी बजे हम दोनों सोया हुआ था। उसके बाद जब हम लोग पेशाब करने के लिए उठा है तो बाद में सोच दे रहा उसका मम्मी ये बल्ब बंद करा हुआ क्यों है। तो बल्ब जला करके जब देख रहा है तो वो चाकू दिखा करके हम लोग को बस फरार हो गया। कितने बजे रात की घटना है? साढ़े ग्यारह बजे रात। हाँ, वो कौन था? वो कन्हैया। कन्हैया कौन है? कन्हैया कोचिंग का मास्टर है। आपकी बेटी जिस कोचिंग में पढ़ती है उसी का मास्टर है? मास्टर है। तो क्या वो क्या कुछ मतलब आपकी बेटी के साथ कुछ गलत वगैरह भी किया है? हाँ, किया। गलत किया है? हाँ। तो उसी को लेके आप लोग थाने में आवेदन देने आए? हाँ, उसी के लिए आए। आपकी बेटी की उम्र कितना है? 15 साल। हाँ, मुझसे सुनो मोर बेटी आवाज पानू तो जेनु तो मुख चक्कु दिखाए हमें भागी गई। हाँ, केसी के वो हैं? हाँ। कौन है वो? कन्हैया। कन्हैया कौन है? मास्टर कोचिंग। कोचिंग का मास्टर है? तो क्या आपके बेटे से शादी? बलरामपुर थाना अंतर्गत एक मामला आया है सामने, जिसमें एक बच्ची जो ट्यूशन पढ़ने जाती थी उसी के शिक्षक द्वारा उसके घर में जबरदस्ती पीछे के रास्ते से घुसकर उसके साथ बलात्कार किया गया है। तो इस संबंध में पीड़िता की मां द्वारा आवेदन दिया गया, तो उस पर कांड दर्ज किया गया बलरामपुर थाना में और पीड़िता को मेडिकल जाँच हेतु भेजा गया है। साथ ही उसका 164 का बयान कराने का भी निर्देश दिया गया। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अभी छापामारी जारी है, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी जल्दी ही हो जाएगी। ऐसे शिक्षकों को क्या आप नसीहत देना चाहेंगे? ऐसे शिक्षक समाज के लिए ये है कि ऐसे शिक्षकों द्वारा ये किया गया कार्य बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। शिक्षक शिक्षा देने के लिए होते हैं। साथ ही मैं बच्चों के माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि वो भी अपने बच्चों पर नज़र रखें एवं अच्छी शिक्षा दें कि अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो बच्चे इसकी जानकारी अपने माँ बाप को दें ताकि हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। बेन भी के लिए कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।